वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने का आखिरी दिन है। सभी लोग आज अपने अपने नजदीकी वोटर नामांकन बूथ पर पहुंच रहे हैं, लेकिन कुछ लोग आज भी नामांकन की तारीख बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। शायद उनको पता नहीं कि पिछले एक महीने से तारीख पर तारीख बढ़ती जा रही है। ऐसे में हमारे संवाददाता ने डिंडोसी विधानसभा के 159वें विभाग का जायजा लिया और कुछ अधिकारियों से बात की। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। मुंबई में कॉरपोरेशन चुनाव काफ़ी नज़दीक है, लोग तैयारियों में जुट गए हैं। वहीं मतदार संघ में भी लोगों को अपना नामकरण करवाने में काफ़ी रुचि दिख रही है। बताया जाता है कि इस बार कम से कम विधानसभा में, डिंडोसी विधानसभा में जो 159 आता है उसमें कम से कम 4,000 से 5,000 लोगों ने नया नामकरण करवाया। हालांकि इसमें युवाओं की सहभाग काफ़ी ज़्यादा रहा है, जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि ये मतदान नोडल अधिकारी 159 विधानसभा गोरेगांव का एक प्राइम लोकेशन है जहाँ पे लोग आते हैं। और आज सुबह से लगभग भीड़ लगी, क्योंकि आज बताया जा रहा है कि आज अंतिम दिन है। हालांकि ये भी बातें आ रही है कि शायद जो नोटरी करवाने का डेट है वो बढ़ाया भी जा सकती है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो किसी कारणवश अभी तक नहीं करवा पा रहे हैं, कुछ लोगों का पेपर बराबर नहीं है, कुछ लोगों का अपात्र किया गया है, जिसमें अभी भी अधिकारी ये चाहते हैं कि जो लोग अपात्र हुए हैं उनको भी समय दिया जाए और पूरी कार्रवाई को, पूरे नामकरण को कम्प्लीट किया जाए। कॉरपोरेशन चुनाव में हर युवा चाहता है कि हम इस बार वोट करें और वोट करने का महत्व क्या हो, मूल्य क्या हो वो समझे, जिसकी वजह से लोगों ने आज लाइन लगा के इसमें नामकरण करवाने की रुचि रखी है। कैमरा पर्सन सुमित के साथ सत्य प्रकाश सोनी, मेट्रो मुंबई।